चाचा ने सुबह सुबह क्या लाया, भजिया एंड बड़ा एंड पाव, ये लेके आए हैं चाचा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। गाइस गुड आफ्टरनून, मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एंड सुबह हमने ब्रेकफास्ट में आज मस्त यहाँ पे आपने देखा होगा परसों के ब्लॉग में मैंने कॉर्नर पे चाय पी थी जो हमारे सोसाइटी का एंट्रेंस है वहाँ पे, तो आई रियली लाइक द चाय बट हमें वो दिन गर्म नहीं खाना था बिकॉज शीतला माता का रहता है तो एक दिन पूरा कोल्ड फूड खाया जाता है, तो इसलिए हम वहाँ पे भजिया और वड़ा पाव नहीं खा पाए। तो इसलिए आज चाचा क्लब से आते हुए हमारे लिए भजिया एंड वड़ा पाव लेके आए थे, तो दैट वाज वेरी 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 टेस्टी। एंड देन वो खाने के बाद मेरा दिव्यता को नहलाया, मैं नहा ली एंड देन दिव्यता को मैं थोड़ी देर उसके फ्रेंड के वहाँ पे लेके गई थी, तो उनके पास ना बहुत सारी कैट्स है तो हम वो खेले एंड देन उसको आके भूख लग गई थी तो उसको खाना खिलाया। आज उसका थोड़ा सा रूटीन ऊपर नीचे चलने वाला है बिकॉज वो सुबह 8:30 बजे से जगी हुई है एंड नाउ शी इज़ टायर्ड बट शी वॉन्ट्स टू प्ले विथ नाना ऑल्सो, तो येस। एंड आज ऐसा देखा जाए तो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ वेकेशन बिकॉज टुमारो आदित्य इज़ गोइंग टू कम, आज रात में निकल के ही विल बी हियर टुमारो बाय आफ्टरनून, तो ही इज़ गोइंग टू कम एंड देन ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म ही हो गई छुट्टियाँ, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। एंड अभी मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है पार्लर में, तो अब जैसे दिव्यता सो जाएगी तो आई एम गोइंग टू गो फॉर क्लीन अप, थोड़ा सा शक्ल भी साफ कर ली अपनी। तो परसों मैं गई थी तब मैंने बस हेयर कट करवाया और अपनी आईब्रोज करवा रही थी बिकॉज दिव्यता वॉज देयर विथ मी, बट आज मैं सोच रही हूँ कि दिव्यता को सुला के आई विल गो टू डू क्लीन अप बिकॉज जाना ही पड़ेगा। एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट, आज मैंने एक शूट भी किया है एंड अब क्या हो गया कि मैंने सोचा था मैं नगर आके बहुत सारा काम करूँगी ये वो, बट पता नहीं यार यहाँ के इतना लेजी जोन हो गया मेरा, बस दिव्यता का जितने एसेंशियल्स थे उतने, मेरे को एक स्कूल बैग लेनी है दिव्यता के लिए, तो होपफुली मैं आज पापा के साथ जाके वो भी देख के आऊँगी कि मेरे को यहाँ पर अच्छी स्कूल बैग मिलती है क्या, नहीं तो फिर ऑनलाइन इज़ अ ऑप्शन एंड देखते हैं और क्या क्या होता है। सो यस, शॉर्ट एंड स्वीट वेकेशन रहा, छुट्टी रही, रिलैक्स हो गए, मिल विल लिए, बातें हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। पता नहीं वापस कब आ पाएंगे, लाइक मतलब डायरेक्टली राखी पे आ पाएंगे या उसके पहले आ पाएंगे, इसका तो मिक्सर चालू है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, और भी कुछ याद आता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं दिव्यता को सुला के आ गई हूँ घर पे नहीं पार्लर एंड वो घर पे सो रही है, मैं आ गई हूँ पापा के साथ, पापा ने मेरे को ड्रॉप किया यहाँ पे एंड नाउ इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर द क्लीन अप एंड देन आई विल हेड बैक होम। दो तीन चीज़ें हैं मेरे दिमाग में काम की, बट अगर दिव्यता तब तक नहीं होगी तो फिर मैं वो काम करूँगी, नहीं तो आई विल गो बैक होम बिकॉज हो सकता है कि वो क्रैंकी हो जाए एकदम उठ के और मैं नहीं दिखूँ, तो लेट्स सी मम्मी, हो सकता है कि मम्मी के पास वो रह ले एंड अब उसके दो दो न्यू फ्रेंड्स बन गए सोसाइटी में तो वो अच्छे से उनके साथ भी खेल लेगी, होप फॉर द बेस्ट। एंड मेरे को उसके लिए स्कूल बैग ही देखने जाना है, तो आई विल डू दैट। एंड सेकेंड चीज़ थी मेरे लेंसेस, ये दो काम करने हैं मेरे को, तो आई डू दिस पहले क्लीन अप का काम एंड देन देखते कि वो मैं कर पाती हूँ या नहीं। मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कितना मस्त, और बाहर इतनी धूप है बाहर कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और मैं यहाँ पे धीरे धीरे बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। सो हाय गाइस, एक मिनट मैं कैमरा क्लीन कर दूँ, कैमरा गंदा हो रहा है। सो हम लोग आ गए हैं नीचे वॉक करने के लिए एंड यस, मेरा चेहरा कितना क्लीन दिख रहा है बिकॉज आज मैं क्लीन अप करके आई हूँ एंड आई एम लविंग इट, बहुत अच्छा क्लीन अप हुआ मेरा, बहुत अच्छा एंड इट फील्स सो रिलैक्सिंग। एंड ये देखो दिव्यता, क्या कर रहे हो, घूमी कर रहे हो? तो हम आए हैं नीचे और हम वेट कर रहे हैं अयांश का, अयांश गया है अपने दादा के साथ
दुकान पे, तो अब वो थोड़ी देर में आएगा, तब तक हम लोग वॉक करेंगे, देखते हैं, एक लंबी चक्कर काट के फिर उसको बोर हो जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे। बट यस, एंड आज क्लाइमेट भी बड़ा अच्छा हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी भी नहीं है। मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है, लेट्स सी, और उसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे वॉक करने के लिए। और ये मैं शूज़ उसको ज़रूर पहनाती हूँ, उसको मैं ज़रूर ये शूज़ पहनाती हूँ, बिकॉज़ ये शूज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड दे आर रियली रियली गुड फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, एवरी थिंग। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, एंड मेरे को ऑलमोस्ट 8 to 9 months हो चुके हैं मैं ये शूज़ यूज़ कर रही हूँ। एंड यस, सो सुपर एक्साइटेड, टुमारो आदित्य इज़ गोइंग टू कम एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट दिविता। सो स्टे ट्यून्ड, और भी हमारे कुछ कुछ प्लान हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या प्लान है। तो यस, स्टे ट्यून्ड गाइज, जी से बाय बाय बाय।